बाद आपका स्वागत है। ये बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक संगोष्ठी में सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्रियों समेत योग गुरु रामदेव समेत कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पशु चिकित्सा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। G20 की बैठक के बाद उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क की पहचान पूरी दुनिया में होगी। सब पैथियों में सिंपैथी सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमारा क्या फायदा हो रहा है इसकी बजाय रोगी का किस में फायदा है, वो पैथी सर्वश्रेष्ठ है जिससे कि रोगी का रोग ठीक हो जाए, वो निरोगी बन जाए और वो योग आयुर्वेद के अलावा विकल्प नहीं है। अभी चैत्र प्रतिपदा से एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें 100 से अधिक विद्वान विदुषी हमारी बहने हमारे भाई आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के और सन्यास में प्रविष्ट हो रहे हैं और 500 से अधिक पूरे देश के हाईली एजुकेटेड युवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनको शूद्र दलित शोषित वंचित पिछड़े कहा जाता है वनवासी आदिवासी ऐसे सभी वर्गों के 500 से अधिक भाई ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले रहे, 100 से अधिक भाई बहन सन्यास की दीक्षा ले रहे और पूज्य गोविंद देवगिरी जी से इसका शुभारंभ होगा। इस बजट को हम लोगों ने पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया है। ये सभी के लिए समावेशी बजट है और इसमें उत्तराखंड के अंदर जितने भी पोटेंशियल हैं, जिन जिन क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की चीजों को आगे लाया जा सकता है उन सभी के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया और यह बजट एक नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कथन है कि यह दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह बजट उत्तराखंड के तीसरे दशक को सार्थक करने वाला बजट है। नहीं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमको एक बैठक नहीं, दो बैठक नहीं, बल्कि G20 की 3 बैठकें और जो PSA लेवल की जो सबसे बड़ी बैठकों में से 5 बैठकें जो भारतवर्ष के अंदर होने वाली है उसमें से एक बड़ी बैठक हमारी रामनगर में 28, 29 और 30 मार्च को संपन्न होने वाली है। उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।